दोस्तों मायशी रसोई में आज बनने वाली है टिंडे की सब्जी। नॉर्मली टिंडे का नाम सुन के बड़े क्या बच्चों के भी नाक मुंह जल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मैंने आप लोगों के साथ टिंडे की सब्जी की रेसिपी शेयर करी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस सब्जी को आप चाहें तो ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बनाने का तरीका कुछ इस तरीके का है कि आपको पाव भाजी वाला टेस्ट मिलेगा। आप पाव के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, स्टीम्ड राइस के साथ भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो चलिए कुछ नए तरीके से सब्जी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टिंडे की ये बहुत ही शानदार सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो जितने टिंडे। आप टिंडे की कैसी भी सब्जी बना रहे हो, मूंग की दाल वाली बना रही हो, भरमा टिंडे बना रहे हो, या सादा टिंडे बना रहे हो, या आप बना रहे हो मेरी तरह स्पेशल टिंडे, तो बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो टिंडे लें वो कच्चे हों। जो टिंडे कच्चे होते हैं उनमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, अगर टिंडे पके हुए हैं, बीज पके हुए हैं, तो सब्जी उतनी बढ़िया नहीं बनती है। तो बस उस टिंडों को साफ़ करने के बाद में अच्छे से वॉश किया और बस उसे छील लिया, और उसके बाद हम टिंडों को थोड़ा मोटा मोटा सा ही कट करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में आप टिंडे को कट ना करें, वरना टिंडे मैश हो जाएंगे मसाले के साथ और बढ़िया टेस्ट नहीं करेंगे। टिंडे अच्छे से कटे और उसके बाद बारी है हमें इसका मसाला बनाने की। और जो हम मसाला बनाने वाले हैं वो बहुत ही अलग तरीके के बनेगा, और वो बनेगा दही से, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही वाले टिंडे की रेसिपी। और जो मैंने दही लिया है आधा कप जितना, उसे थोड़ी देर छलनी पे डाला जिससे उसमें जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकल जाएगा। हमें इसका हंकर नहीं बनाना है, बस मिनट दो मिनट के लिए आप दही को छलनी पे डालेंगे, ज़्यादा सा जो पानी है वो निकल जाएगा। दही में जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है और दही हल्का सा गाढ़ा हो गया है, हंकर्ड नहीं बनाना है। और बस उसे कर लिया एक बाउल में और उसमें डाला टेस्ट के हिसाब से नमक, एक टीस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर, एक टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, और ये लिया भुने हुए जीरे का पाउडर हाफ टी स्पून जितना, और ये डाला एक टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, और सबको बढ़िया सा मिक्स किया। देखिए क्या बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, इसमें अच्छी खुशबू के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं क्रश करके, और मसाला तैयार हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे ये टिंडे। फ्रेंड्स, टिंडे की ये सब्जी बहुत ही यमी बनती है, काफ़ी क्रीमी सी बनकर तैयार होती है। अच्छे से कोट कर लिया और 10 मिनट के लिए इसे एक साइड से रख देते हैं। और इस बीच हम करेंगे एक तड़के की तैयारी। उसके लिए मैंने ले लिया है करीब 2 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल, स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म किया, हल्का सा ठंडा किया, और उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना बेसन। अगर आपके पास सत्तू है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सत्तू डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो बस बेसन को इस तरीके से भून कर डालिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप आलू की सब्जी की रेसिपी ट्राई करते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। बस आपको बेसन भूनते हुए ध्यान रखना है कि फ्लेम को रखें एकदम स्लो, क्योंकि तेल थोड़ा सा ज़्यादा है, बेसन कम है, फटाफट से भुन जाएगा, लेकिन हाई फ्लेम हुआ तो बेसन जल जाएगा। बेसन जब भुनने पे आता है थोड़े से झाग से बनने लगते हैं, जब हम लड्डू वगैरह बनाते हैं जब भी यही प्रोसेस होता है। और बेसन भुनकर तैयार हुआ और हमने इधर ये जो टिंडे रखे थे दही के साथ पे, जो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, तो बस उसमें अब ये बेसन भी डाल देते हैं। तो ये बन जाएंगे अब हमारे दही और बेसन वाले टिंडे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब और थोड़ी सी देर के लिए हम इसे कवर करके एक साइड से रखेंगे और अब हम करेंगे इसकी ग्रेवी की तैयारी। और ग्रेवी के लिए हमें ज़रूरत होगी 3 टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और कुछ कलियां लहसुन की ले ली हैं। अगर लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छा बारीक कट किया है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप सब्जियों को कट करें, इसे पीसे नहीं, और आप बनाते हैं सब्जी। बस उसके लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर प्रेशर कुकर रखा और उसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल, क्योंकि हमने पहले ही काफ़ी सारा तेल यूज़ कर लिया है। अब बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, जीरा डाला, हींग डाली, दोनों को अच्छे से तड़का लिया। और जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से तड़की, उसमें डाल दी ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, जिसे एक साथ मैंने मिक्सी में चला लिया है, जिससे काम फटाफट हो गया। और उसके बाद डाला ये बारीक कट करा हुआ प्याज। फ्रेंड्स, इसमें अगर आप प्याज पीस कर डालेंगे तो वो वाला टेक्सचर नहीं मिलेगा, ज़्यादा मोटा मोटा कट किया तो भी बढ़िया नहीं बनेगी,
बस कोशिश करें कि बारीक कट करके डालें, जिससे बहुत ही बढ़िया आपको सब्जी का टेक्सचर मिलेगा। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिससे हमारी सब्जी का जो टेस्ट और टेक्सचर है वो चेंज होता जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को भी कट किया है बारीक। ना तो मैंने इसे चॉपर में चलाया है, ना ही मिक्सी में चलाया है, और ना कद्दूकस किया है। प्याज और टमाटर के साथ ही अब डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, क्योंकि हमने काफ़ी सारे मसाले पहले भी यूज़ किए हैं। ये गया थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्चें जिससे कलर अच्छा आएगा और तीखी काफ़ी कम होती हैं, और ये गया 1/2 टीस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, और रंग उठाने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी डाल दी हल्दी। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब बारी है मसाले को भूनने की। जितना अच्छा हम मसाला भून लेंगे सब्जी उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो कवर करके थोड़ी सी देर पका लेते हैं जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। और अब देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मैंने पकाया है, ऑयल काफ़ी हद तक सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है, तो आप समझ सकते हैं जो सब्जी का कलर आएगा वो भी उतना ही बढ़िया आने वाला है। तो बस अब जो हमने ये टिंडे रखे थे ये भी डाल देते हैं, और अब आप देख सकते हैं काफ़ी ग्लॉसी से लग रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें बेसन जो डाला था वो तेल में भून के डाला था। और अब ये जो थोड़ा सा मसाला इस पर लगा रह गया है, और वो जो हमने दही का पानी रखा था वो इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये पानी भी इसी में डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं फ्रेंड्स। ये जो सब्जी होती है बहुत झोलदार नहीं होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, थोड़ी लटपटी सी सब्जी होती है जो कि पूड़ी पराठे के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, चावलों के साथ भी बढ़िया लगती है। अच्छे से मिक्स किया, अब इसमें हम आने देंगे 2 सीटियाँ, और 2 सीटी में टिंडे एकदम परफेक्ट पककर तैयार हो गएंगे। और ये लीजिए 2 सीटियाँ आ चुकी हैं, और एक एक करके दोनों सीटियाँ निकल भी चुकी हैं, यानी प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। तो बस अब प्रेशर कुकर को खोल देते हैं, और देखिए क्या ज़बरदस्त लुक की हमारी टिंडे की सब्जी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। अब ऐसी सब्जी कोई देखेगा तो जिसे टिंडे ना भी पसंद होंगे उसे भी पसंद आ जाएंगे। ये देखिए क्या बढ़िया इसका टेक्सचर है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे अमचूर पाउडर, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारा चाट मसाला डाला है। आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून जितना डाल दिया गरम मसाला, और ये ली थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसे क्रश करके डालेंगे, और लास्ट में गया हरा धनिया। और फ्रेंड्स एकदम नए तरीके से पर बहुत ही लाजवाब हमारी टिंडे की सब्जी बनकर तैयार हुई है। ऐसी सब्जी देखकर कौन कह देगा कि मुझे टिंडे नहीं पसंद हैं, यानी कि सभी को बहुत पसंद आएगी। इसे तो आप रोटी पराठे चपाती नान चावल नान किसी के साथ भी सर्व कीजिए, सबके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन बस उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। परंतु प्रेशर कुकर में बनाने के बाद में भी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहेगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग तरीके से बनी हुई हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।